थैंक यू सो मच वसीम सर, थैंक यू ऑल लीडर्स। जैसा कि नाम बताया है, मेरा नाम साकेत मित्तल है और अब एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट काम करता हूं और फुल टाइम हम लोग बिजनेस में एसोसिएटेड हैं। आज बात करने वाले हैं, बहुत थैंक्स करूंगा इस ब्रिट वर्ल्ड वाइड स्टेज का जिन्होंने हमें ये मौका दिया है, और खुश हूं मैं इस बात से कि पहले ऐसा मौका जब मिलता था तो कुछ आसपास जो लोग एक मीटिंग सेमिनार हॉल के अंदर होते थे वो सुन पाते थे, और आज अच्छा लगता है कि ऑल ओवर इंडिया या शायद उसके बाहर भी कुछ लोग सुन पा रहे हैं। सो थैंक्स ए लॉट फॉर दिस स्टेज। और मैं आगे इंट्रोड्यूस कराऊं उससे पहले आई विल लेट पीयूष इंट्रोड्यूस एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम पीयूष गोयल, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, और जैसे कि बताया कि बहुत सारे पायदानों को पार करके राजस्थान गवर्नमेंट में 6 साल काम किया, एज अ फ्री लैंसर 12-15 साल काम किया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, मेडिकल इंजीनियरिंग एंट्रेंस, यूपीएससी एस्पायरेंट सबको पढ़ाया, फाइनली अपना इंस्टीट्यूशन खोला और लगा कि अब सेट हो गए हैं, बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। लेकिन जिस अपॉर्चुनिटी से आज हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं, दैट इज ट्रू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। हम लोगों का 7-8 साल का सफर है, क्या हम लोगों को मिला, क्या आप लोगों को मिल सकता है यदि आज की इस मीटिंग में 1.5-2 घंटे, इफ वी कैन स्टे ट्यून्ड, आई थिंक दिस विल बी रियली रियली बेनिफिशियल फॉर ईच वन ऑफ यू। सो विश यू ऑल गुड लक, बेस्ट विशेस, दिस इज फ्रॉम माय साइड। तो शुरू करूंगा, सबसे पहले सबको हैप्पी टीचर्स डे। बहुत सारे टीचर्स भी हैं, शी इज ऑल्सो ए टीचर, और ये बिजनेस पूरा टीचिंग का एक ये कहें कि एक जगह है जहाँ पे हर कोई सीख रहा है। वी आर ऑल्सो स्टूडेंट, वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम ग्रेट लीडर्स एंड स्टिल वी आर लर्निंग। सो मैं प्रेजेंटेशन भी शेयर करूंगा, साथ में ये भी बताऊंगा कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, हम क्या सोच के शुरू करते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, लेकिन भगवान शायद हमें बेस्ट चीज जो है वो समय के साथ साथ हमें दे ही देता है। तो यूजुअली हम सारे लोग से मतलब है ज्यादातर लोग कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि हम क्या करें, और जनरली ऐसा भी होता है कि हम अपने पेरेंट्स से या अपने ये कहेंगे कि जो पीयर्स होते हैं उनसे कैरी अवे होते हैं, और बचपन में हम कुछ भी सोच रहे होते हैं वो ज्यादातर उन चीजों से ड्राइव होती है जो चीज हम आसपास होते देख रहे हैं या हमारे पेरेंट्स हमारे अंदर देखना चाहते हैं, लगभग उन चीजों से सारी चीजें डिसाइड होती हैं। तो बचपन से ऐसा ही था कि इंजीनियर बने, पापा इंजीनियर थे तो मुझे लगता था मुझे भी इंजीनियर ही बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए ये जरूरी नहीं पता था, बस ये लगता था कि इंजीनियर बनना चाहिए। तो बाद में ये चीजें समझ में आई कि ज्यादातर दो कैटेगरी में लोग विभाजित हैं, एक वो लोग जो ये सोचते हैं कि ये चीज कैसे होगी, इंजीनियरिंग माइंड हमेशा ऐसा सोचता है कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, क्या चीज कैसे होगी, और बिजनेस ओनर्स ये सोचते थे कि ये चीज क्यों की जाए। और हमेशा मुझे ये लगा कि अगर हमें कोई चीज करने आ गई तो काम बन जाएगा, लेकिन क्यों की जाए इसका बहुत ज्यादा पता नहीं था। तो इंजीनियरिंग किया, इंजीनियरिंग करने के बाद मास्टर्स किया, उसके बाद IIM कलकत्ता से MBA भी किया, ये सारी चीजें हम कर रहे थे क्योंकि ये समझ में आया था कि अगर एक अच्छी एजुकेशन लेते हैं तो एक अच्छी जॉब मिलती है, शायद इससे आगे का कुछ पता ही नहीं था, और ऐसा लगता था कि एक बार जॉब मिल गई, पैसा आने लगेगा तो लाइफ बहुत वंडरफुल हो जाएगी। शायद बहुत सारे लोग जिनसे मैं अभी डायरेक्टली कम्युनिकेट तो नहीं कर सकता, लेकिन शायद वो भी ऐसा ही सोचते होंगे जब तक कि उनको ये पता ना लगे कि जॉब के अंदर कुछ दाल रोटी तो पूरी हो सकती है लेकिन शायद सपने पूरे नहीं हो सकते। मेरा मतलब सिर्फ इससे नहीं है कि उससे पैसा कम या ज्यादा कमाया जा सकता है, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पैसे से आती हैं, जिसके लिए हम लगभग उम्र भर काम करते हैं, और कई बार तो लोग रिटायरमेंट के बाद भी काम कर रहे होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो ये भूल जाते हैं वाय, शायद एक पैसे के अलावा दूसरा फैक्टर हम सोच ही नहीं पाते, जबकि दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा बदलाव वो लोग लेके आए जो ये जान पाते हैं कि ये काम क्यों किया जाए। अगर हम किसी को भी देखें जो आविष्कार हुए, उनको ये पता था कि ये क्यों किया जाए, कैसे तो उनको पता ही नहीं था, वरना आविष्कार कैसे होता। लोगों ने 10-10, 20-20 हजार एक्सपेरिमेंट कर डाले कि ये चीज होगी कैसे, वो आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन उनको पता था ये क्यों किया जाए। तो हम जो ये बिजनेस है उसके लिए क्यों किया जाए, उस क्यों को अगर आपने पकड़ दिया तो शायद ये प्रेजेंटेशन काम का हो सकता है। देखिए, दो चीजें हैं, जब भी हम क्यों की बात करते हैं तो ड्रीम्स बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बचपन में अक्सर हमसे पूछा जाता है कि आप बड़े होकर के क्या बनोगे, बड़े होते हैं जब नौकरियों में आते हैं, अपने ड्रीम जॉब को जब हम एक्वायर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम इन चीजों को जो ये इस साइड लिखी हुई है, हैप्पी होम,
हमें लगता है जिस इंसान का 2-bedroom होम उसने जल्दी से एक्वायर कर लिया उसको लगता है यार मेरा 4 BHK कब होगा, जो रेंट के घर में रह रहा है उसको लगता है मेरा खुद का घर कब होगा, 4 BHK वाले को लगता है मेरा विला कहाँ कब होगा। तो ये हैप्पी होम की एक परिकल्पना है जो हमारी को कहीं ना कहीं सक्सेस से जुड़ी हुई है। बड़ी कारें, अच्छी अच्छी जगहों पे छुट्टियां मनाना, आपकी अच्छी लाइफस्टाइल हो, बच्चों की एजुकेशन की आपको कोई फिक्र ना हो, आपके पास में कुछ पैसा जमा हो, ये कुछ चीजें हैं जिसमें मीडियोक्रिटी के अंदर हम लोग जिस ग्रुप को जिस सोसाइटी को बिलोंग कर रहे थे इसी को हम सक्सेस की डेफिनेशन मानते थे। और इसी इसी चीज को चेज करने के लिए जैसे कि मैं बताती हूँ, सबसे पहले लगता था कि गवर्नमेंट जॉब हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर आप आ जाओ बहुत अच्छा हो जाए, हायर स्किल्स डेवलप कर लो, क्वालिफिकेशन बढ़ा लो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन आगे की जो चीजें हैं वो तो एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, फ्रीडम, लेगेसी, ये एक अलग ही स्टेज के लोग जिनके पास में इनफ मनी है तो उनको फिर बाद में लगने लगता है कि यार हमारी लाइफ की वजह से दूसरे लोगों की लाइफ पे कितना इम्पैक्ट आएगा, इस तरीके के कुछ ड्रीम्स पैदा होते हैं। अब जो हम कन्वेंशनल चीजों की बात कर रहे हैं उसमें आप लोगों से ये प्रश्न है, आपको खुद देखना है कि हम जब अपने ड्रीम्स की दौड़ के अंदर जा रहे हैं तो पहली बात तो ये कि कितने ड्रीम्स पूरे कर लिए। और माना कि ड्रीम्स जब हमने पूरे कर लिए अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ड्रीम्स हमने पूरे कर लिए तो हम अपने आप को खंगोले एक बार, कहीं ना कहीं कुछ वैल्यूज तो हमसे पीछे नहीं छूट गई। फैमिली, मतलब हम लोग जैसे अपना जॉब चला रही थी जब मैं राजस्थान स्टेट के अंदर, तो मेरे हस्बैंड दिल्ली के अंदर थे लेकिन क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब को जल्दी से नहीं छोड़ना चाहिए, यही एक कन्वेंशनल माइंडसेट के अंदर था, तो फैमिली पीछे छूट रही थी। तो हम देखें कि जैसे जैसे हम सपनों की दौड़ में आगे बढ़ रहे हैं कहीं हमारी फैमिली तो पीछे नहीं छूट रही है। हेल्थ का तो हमने इतना देखा, हम लोगों के लिए एक सपना होता था जब हम एज अ प्रोग्रामर, जब साकेत जी ने अपनी जो है वो करियर जर्नी स्टार्ट की तो लगता था वाइस प्रेसिडेंट विल बी द डेस्टिनेशन वेयर वी वांट टू जस्ट गो, है ना। लेकिन जब पहुंचे, उस भगवान की बहुत ब्लेसिंग रही अपने करियर के अंदर, जिस तरीके का ड्रीम हम देखते थे पहुंचे, लेकिन पूरी रोटेशन के ऊपर शिफ्ट। ऐसा कोई समय नहीं है पिछले 15 साल के अंदर जब साकेत बोले कि ये वाला समय मैंने होता हुआ नहीं देखा। रात के 2 बजे भी देखे हैं, सुबह के 4 बजे भी देखे हैं, मतलब हर सुबह जल्दी उठना, रात को पूरी पूरी जगना। तो वेलबींग, होप, हेल्पिंग पीपल, स्पिरिचुअलिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंपैशन, फेथ, बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो हमें ये देखना है कि क्या हम अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, और दूसरी बात हमें ये देखनी है कि यदि हम सपने पूरे भी कर पा रहे हैं तो क्या कहीं हम अपनी वैल्यूज से, कोर वैल्यूज से तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। हमें जब ये वाली एक अपॉर्चुनिटी जो मैं आज आपको बता रहा हूँ बताई गई तो शुरू में तो ये समझ ही नहीं आया कि वाकई हमें इसकी जरूरत भी है, क्योंकि ऐसा लगता था कि हम लोग जयपुर से गुड़गांव चले गए थे, लगता था जो चीज़ चाहिए वो शायद हमारे पास है, हमने वहाँ अपना घर लिया, गाड़ी है, और पीयूष ने अपना इंस्टीट्यूट भी सेटअप कर लिया था यहाँ से जॉब रिजाइन करने के बाद। हमें लगता था कि वी आर डूइंग वेल इन आवर लाइफ, जब तक कि ये समझ में नहीं आया था कि जो हम इनकम कर रहे हैं वो नंबर जितना मैटर नहीं करता, उससे ज्यादा ये भी मैटर करता है कि ये इनकम आ कैसे रही है। जब जॉब में ये देखा कि रिसेशन पीरियड आया नहीं और जॉब के अंदर शेकिंग शुरू हो गई, बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया, और कुछ ऐसा एक टाइम मैंने अपनी लाइफ में 3 बार ऐसा टाइम देखा जब जॉब का चैलेंज फेस किया और मुझे समझ में आया कि अभी गुड़गांव है, गुड़गांव से मुंबई भेज दिया, बेंगलोर भेज दिया, यानी कि I was in a quadrant which is called E-employee quadrant. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि इनकम करना जितना इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा कि वो इनकम कैसे की जा रही है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने ये चीज बताई अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में कि 4 ही ऐसे तरीके हैं जिससे कोई भी इनकम की जा सकती है, जिसको बोलते हैं E और S एंड B एंड I, लेफ्ट एंड राइट क्वाड्रेंट में 2 में इसको ब्रेक कर सकते हैं। ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, सभी लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि सारे लोग वो जो जॉब करते हैं समय पे जाते हैं, समय पे आने का, वैसे मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा समय जाने का तो होता है, आने का नहीं होता, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि अगर वो समय ना लगाए तो इनकम जनरेट नहीं होती। जॉब पे ना जा पाए किस वजह से, या तो आपके पास जॉब हो या फिर जॉब करने वाला हो, दोनों ही जरूरी है, तभी इनकम आती है। दूसरी तरफ हम देखें सेल्फ एम्प्लॉयड, लगता है कि थोड़ा सा बेटर है, जो लोग अपना काम करते हैं इनकम जनरेट करते हैं बेटर, डॉक्टर्स हो सकते हैं, लॉयर्स हो सकते हैं, शॉपकीपर्स हो सकते हैं, कई बार देख के लगता भी है यार वो दिख रहा है आपको समोसे वाला, वो 2-3 लाख रुपए महीने कमा लेता है, बहुत दिखते हैं, कई बार हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगेन सेम थिंग, काम करते हैं, शटर अप हुई तो पैसा आया, डाउन हुई तो पैसा नहीं आया। और दुनिया में लगभग 90% लोग इसी कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, जो 10% लोग हैं वो राइट हैंड साइड में है, जिसको बोलते हैं बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स, ये 10% लोग हैं, लेकिन 90% अपनी जो वेल्थ है पूरे वर्ल्ड की वो ओन करते हैं। ये कौन लोग हैं,
ये वो लोग हैं जिनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपनी इनकम को लीवरेज किया है, जिनके पास सॉफ्टवेयर है, लोग हैं जो कि काम करते हैं तो पैसा आता है, और ये पैसा इतना आता है कि उनके खुद के काम की एफिशिएंसी की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। क्या ये लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं? आंसर इज नो। आप बड़े बिजनेसमैन को देखिए, बहुत सारों ने तो कॉलेज या तो गए नहीं या देख के वहां से बाहर आ गए। जो दुनिया के टॉप 10 है उनमें आप पाएंगे कि लोग जो इस साइड में वो क्या करते हैं, वो उन स्किल्स को हायर कर लेते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है। उनको दे डोंट नीड टू बी दैट मच क्वालिफाइड, एक्चुअली हो भी सकते हैं लेकिन ज्यादातर जरूरत नहीं है। पैसे का उस एजुकेशन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है वाई, क्यों किया जाए, जो शुरू में हमने बात की। एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स, जो कि ऑलरेडी पैसे से ही पैसा बनाते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो उस कैटेगरी की बात करने वाले हैं कि हम बिजनेस ओनर की कैटेगरी में कैसे आए विदाउट इन्वेस्टिंग दैट मच मनी, जो कि अभी बिजनेस ओनर की हम बात कर रहे थे, विच इज इंडस्ट्रियल एज मॉडल। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन एज मॉडल। आज हम लोग इंफॉर्मेशन एज की एक इतनी बात भी समझ सकते हैं कि हम जूम मीटिंग के ऊपर बैठ के वो सारी बात कर रहे हैं जिसके लिए हमें कहीं जाना पड़ता था। तो इंफॉर्मेशन एज मॉडल आगे का नया ट्रेंड है, और उसे अगर हमने समझ लिया तो हम समझेंगे विदाउट इन्वेस्टिंग मनी, विदाउट हायरिंग लॉट ऑफ पीपल, विदाउट हैविंग सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर, मीन्स उसके लिए हमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, समवन हैज ऑलरेडी डन दैट, वी हैव टू जस्ट स्टिक टू दैट मेथडोलॉजी एंड बिल्ड आवर बिजनेस। सो हाउ इट वर्क्स टू अंडरस्टैंड दैट, सबसे पहले हम ये देखें कि कोई भी बिजनेस ओनर बड़ा पैसा कमाता क्यों है और एक इंडिविजुअल वो पैसा क्यों नहीं कमा पाता। वो इसलिए नहीं कमा पाता कि वो एक लिमिटेड टाइम पे काम करता है, 40 से 50 घंटे काम करता है पूरे साल में, लगभग 2000 घंटे काम करता है, और पूरी जिंदगी में 1,00,000 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाता। तो 1,00,000 के लिए पे कर दिया जाता है, सिंपल, नॉट ए बैड डील। बट उससे लिवरेज करने का काम करते हैं बिजनेस ओनर। वो क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयज को अगर हायर कर लेते हैं, तो अगर 50,000 एम्प्लॉय है किसी कंपनी के पास, तो एक दिन के अंदर 5,00,000 घंटे काम हो जाता है, या 4 से 5,00,000 घंटे काम हो जाता है। हाउ कैन वी मैच 1,00,000 आवर्स विद 4, 5, 10 lakh आवर्स? और उसके बाद ये कि अगर एम्प्लॉय को अगर काम ना कर पाए तो उसकी इनकम जीरो है, लेकिन बिजनेस ओनर के पास 10,000 एम्प्लॉय में से 1,000 नहीं भी काम कर पाए और उसके हाथ में है कि काम करवाना ना करवाना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, जो सारी बातें हैं हम लोग बात कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट के अंदर तो है ही 90% लोग, वी वर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ दैट 90% ग्रुप। अभी हमारी करंट सिचुएशन क्या है और हम जिस तरीके की बात कर रहे हैं कि कैसे हम क्या छोटा सा बदलाव करें जिससे हमारे को एक अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाए कि हम लेफ्ट हैंड क्वाड्रेंट से राइट हैंड क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएं, तो छोटी सी एक बात है कि हमारी करंट सिचुएशन जो इंडस्ट्रियल एज मॉडल के अंदर क्या है, ज्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो हम लोग अपना टाइम ट्रेड कर रहे हैं, टाइम डाल रहे हैं और पैसा लेकर के आ रहे हैं। अब अल्टीमेट मुद्दा ये है कि आपने 12 साल 15 साल या 20 साल भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, तो अल्टीमेटली आपने एसेट किसका बनाया? एसेट किसका बनाया का एक छोटा सा जवाब ये है, अपने आप से सवाल करें कि यदि मैं कल को ऑफिस नहीं जाऊं तो क्या मेरे ऑफिस के ओनर को कोई फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके 1,000-5,000 एम्प्लॉयज में से एक एम्प्लॉय हैं। यानी आप 20 साल काम करते हैं और किसी और का एसेट बना रहे होते हैं, वहां से हम पैसा कमा करके लेकर के आते हैं और वो पैसा आकर के अमूमन हम 90% पैसा खर्च कर रहे होते हैं। जिन स्टोर्स पे हम खर्च कर रहे होते हैं वहां पे भी हम उन्हीं स्टोर्स का एसेट बना रहे होते हैं, और एंड ऑफ द डे हम लोग क्या बैठ करके अपने ड्राइंग रूम में डिस्कशंस कर रहे होते हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई की, इतनी ड्रीम जॉब्स ली, सब कुछ लाइफ में अच्छा किया, और एंड ऑफ द डे अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज, दैट इज जस्ट मेकिंग अ लिविंग। किसी तरीके से आप देखिए, ज्यादातर हम लोग क्या बात कर रहे होते हैं, बस जिंदगी काट रहे हैं, तो दिस इज मेकिंग अ लिविंग। हम लोग बात कर रहे हैं एक नए इंफॉर्मेशन एज मॉडल की। जल्दी से इस बदलाव को समझने की जरूरत है कि आज पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपना इंटेलेक्ट यूज करके, एक आइडिया को यूज करके, आप इंफॉर्मेशन एज मॉडल में ऐसा कर सकते हैं कि आप अपना टाइम ट्रेड करें और तब भी आप अपना ही एसेट बनाएं, और आप जब जब पैसा खर्च करें तब तब भी आपका अपना ही एसेट बने। हम लोगों ने जब अपने मेंटोर से सुना, अपने यहाँ पे सीनियर से सुना कि वो लोग जब ब्रश कर रहे हैं, वो लोग जब नहाने जा रहे हैं, वो लोग जब कोई हेल्थ ड्रिंक पी रहे हैं, तब भी उन्हीं को पैसा आ रहा है, तो दैट इज व्हाट सीरियस एसेट बिल्डिंग। और इस तरीके का एसेट यदि आप बनाना चाहते हैं तो दैट विल बी ट्रूली मेकिंग अ लाइफ। कैसे होगा? देखिए, बिना पैसा खर्च किए कैसे होगा? पैसा खर्च करके तो सबको पता होता है, बहुत सारे लोग हमें आइडिया देते हैं, लास्ट ईयर वी शिफ्टेड टू जयपुर, एवरी सिंगल पर्सन इज आस्किंग कि आप अपने इंस्टीट्यूशन की नई ब्रांच खोल रहे हैं क्या,
और क्यों नहीं खोल लेते आप, जल्दी से खोल लीजिए। तो हमें भी पता है कि ब्रांच खोल लेंगे तो बहुत प्रॉफिटेबल होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, है ना, चांसेस हैं, ऑल दो जरूरी भी नहीं है, लेकिन सबसे पहले तो खोलें कैसे। खोलने का मतलब यू शुड एटलीस्ट हैव अ कैपेसिटी ऑफ 20-30 lakhs रुपीज इनिशियली, एंड यू शुड हैव अ कैपेसिटी ऑफ 3 lakh to 4 lakh रुपीज पर मंथ का एक्सपेंडिचर। इतना सारा पैसा लगा के हम लोग कन्वेंशनल बिजनेसेस में एंटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। इन्फॉर्मेशन एज मॉडल में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। आप यदि उसको अच्छे से समझ लें प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को, तो आपको पता चलेगा कि आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नया काम करने की जरूरत नहीं है। जो काम आज आप कर ही रहे हैं उसको यदि आप एक सिस्टम के साथ में कर लें, तो जो आपकी लायबिलिटी है, जो आज तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी जिम्मेवारी है, वो ही आपके एसेट में तब्दील हो सकती है। बहुत समय की कमी है, क्विकली मैं बताना चाहूंगी। जैसे हम ऊबर की बात करें, ओयो से समझें, ऊबर ने आज क्या किया, लोगों के पास में कारें हुआ करती थी लेकिन वो उनकी लायबिलिटी हुआ करती थी, और उन्होंने उसी लायबिलिटी को किस में कन्वर्ट कर दिया, आज उन ऊबर ड्राइवर्स के लिए एसेट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ऊबर के जो ओनर हैं, उनकी इतनी इतनी कंट्रीज के अंदर ऊबर चल रही है, यदि ये एक इंडस्ट्रियल एज मॉडल होता तो हम जाके उनके ऑफिस को देख रहे होते, उनके एम्प्लॉयज के नंबर को देख रहे होते, उनके पास में कारों का नंबर कितना है, उससे उनके एसेट का आइडिया लगा रहे होते। लेकिन बड़ा हैरानी करने वाला फैक्ट ये है कि ऊबर के पास में आज लाखों करोड़ों ऊबर ड्राइवर्स का नेटवर्क है। न केवल उन्होंने उनको एसेट प्रोवाइड किया, बल्कि आप ये देखिए बिना एक सिंगल पैसा खर्च किए खुद के लिए इतना बड़ा एसेट बना लिया। तो दिस इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। आज हम लोग भी आपसे यही बात कर रहे हैं, जो हम कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। देयर इज ऑलरेडी अ 60-year-old प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। FMCG आइटम्स क्या है, जैसे कि आज कोविड के टाइम के अंदर आप देखिए हर आदमी को समझ में आ रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम क्या है, हम लोगों को किस तरीके से अपने पैसे को बचाना चाहिए, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है। इतना सब कुछ समझने के आने के बावजूद भी क्या लोगों ने नहाना धोना बंद कर दिया या ब्रश करना बंद कर दिया है? तो हर चीज हो रही है, FMCG मतलब नहा रहे हैं, धो रहे हैं, सारी चीजें प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। हम इस प्लेटफॉर्म में आपका ये जो खर्चा, जो कि एक इनएविटेबल खर्चा है, आपकी मजबूरी है, कुछ एक ऐसी मजेदार बात आपको बताने वाले हैं कि ये खर्चा ही आपका इन्वेस्टमेंट बनेगा और आपके लिए एक बहुत शानदार एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आएगा जो कि आपको लाइफस्टाइल प्रोवाइड करेगी। कैसे? इकोनॉमी ये है कि अभी हमारे पास में ये आइटम्स हमारा खर्चा है, मजबूरी है, प्लस हमारे इर्द गिर्द इतने सारे लोगों का नेटवर्क है, तो ये नेटवर्क हमारे लिए कैसे जो है वो एसेट बन सकता है, थोड़ा सा साकेत जी बताएंगे आपको इसके बारे में। तो कभी हमें ये नहीं पता था कि एक ऐसी चीज भी हो सकती है जिसके द्वारा हम काम करें या ना करें पैसा आना बनता है। अभी तक यही पता था काम करेंगे तो पैसा आएगा। कभी कोई थॉट बोलता कि आप कल को कुछ हो जाए, काम ना कर पाए तो पैसा आ सकता है क्या? ऐसे किसी लोगों को जानते हैं क्या? ऐसा बहुत ज्यादा थॉट देने के बाद पता लगा कि हाँ, गुड़गांव में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे फ्लैट्स हैं जिनको रेंट आउट कर दिया, या बिल्डिंग्स हैं जो कि रेंट आउट हो गई तो पैसा आता है, और कोई तरीका ज्यादा समझ नहीं आया। लेकिन बाद में समझ में आया जब वो बताया गया हमें भी, जब हमारे को किसी ने ये अपॉर्चुनिटी बताई, तो ये समझ में आया कि एक नेटवर्क होता है वो एक बहुत बड़ा एसेट होता है। अगर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल देखना है तो हर घर के अंदर हम ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसके थ्रू कि आजकल हम अपने पोस्ट डालते हैं फेसबुक के थ्रू सारी दुनिया कनेक्टेड है, लेकिन उससे कितना पैसा कमाया जाता है, हम लोग कितना कमा रहे हैं? शायद कुछ नहीं, लेकिन फेसबुक कितना कमा रहा है? टॉप 4th richest पर्सन, कैन यू बिलीव? और वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है जो अभी पीयूष ने बताया कि हम अगर अपना खुद का नेटवर्क डेवलप करें और उसका स्टोर भी हमारा हो, और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना कि ये इन्वेस्टमेंट करके स्टोर खोलना है, देयर इज ए प्लेटफॉर्म जो कि हमें ये सारी चीजें प्रोवाइड करेगा, और हमारा नेटवर्क अगर 300 लोगों का भी और 100 रुपए भी खर्च कर रहे हैं तो करीब 1 crore rupees की इकोनॉमी हमारे इर्द गिर्द हर रोज घूम रही है। हम उसके अंदर पार्ट कैसे बन सकते हैं? कोई ना कोई इससे पैसा कमा रहा है, हम कैसे बना सकते हैं उसकी बात करेंगे। लेकिन इस इकोनॉमी का फ्यूचर क्या है, इसको थोड़ा सा अगर हम समझेंगे तो इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, जिसका फ्यूचर अभी इंडिया के अंदर सुपर डुपर बड़ा है। अगर हम एनालिसिस देखें, KPMG और फिक्की जिन्होंने इसके ऊपर एक रिसर्च की और एक पब्लिश किया डेटा कि जो इंडिया है अभी स्लीपिंग जायंट है। इंडिया के अंदर अभी बिजनेस है 7,800 या 10,000 crore के आसपास है, लेकिन अगर यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, इन सारे कंट्रीज को देखो तो यहाँ पे 1-1 lakh, 2-2 lakh crore का है ये बिजनेस। इंडिया के अंदर
64,500 करोड़ का बिजनेस बाय 2025। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए भी है कि जहां 25 साल से बिजनेस चल रहा है, लगभग 25 साल से, और वो बिजनेस अभी 10,000 के आसपास पहुंचा है, लेकिन उससे 1/5 टाइम में मोर देन 5 टाइम्स होने वाला है। सो दिस इज ए टाइम जब हमें ये भी समझ में आ रहा है कि जॉब्स के अंदर चैलेंज है, बिजनेस के अंदर चैलेंज है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जिसके अंदर हम विदाउट एनी रिस्क, अभी बात भी करेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, उसके साथ हम बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और जब हम एक ट्रेंड की बात कर रहे हैं और कोई चीज सेलेक्ट करने को मिल रही है, देन वाई शुड नॉट वी गो विद द बेस्ट थिंग। बहुत सारे लोग जानते होंगे एमवे के बारे में, आई एम इंट्रोड्यूसिंग एमवे ओवर हियर। हम लोग अगर कॉलेज सेम में होते हैं तो डेफिनेटली ताली बजाते हैं, क्योंकि वी नो कि दिस इज वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द दिस इज द बेस्ट कंपनी वी आर एसोसिएटेड विद, जिसके बारे में जब बताया गया शुरू में तो हमें लगा यार ये बिजनेस नाम तो सुना हुआ है, लेकिन हम लोग क्या है कि ऐसे लोगों को बता नहीं सकते, प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, इसलिए ये हमारे लिए नहीं है। और ये सोच के, क्योंकि हम वाकई वही सोच रहे थे कैसे कैसे कैसे, 2009-10 के बाद ये पता लगा कि क्यों क्यों, क्योंकि जो चीज यहां से मिल सकती है जो मैं कर रहा हूं उससे नहीं मिल सकती। फिर कैसे, तो आदमी अपने आप ढूंढ लेता है, जब साइंटिस्ट अपने आप वो चीज ढूंढ लेते हैं जो कि अननोन है, तो यहाँ पे तो हर एक चीज नोन है, विजन भी लेने की जरूरत नहीं है। जो लोग हमें यहाँ सिखा रहे हैं दे आर सुपर डुपर सक्सेसफुल, पूरा रास्ता बना हुआ है, वो रास्ते के बारे में बात करेंगे। पहले कुछ क्रेडेंशियल्स, क्योंकि ये देख के स्लाइड देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता हूं कि एक नंबर वन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करने का मौका मिल रहा है, जिसका 8.8 बिलियन डॉलर का तो टर्नओवर ही था 2018 में, 61.3 बिलियन डॉलर के बोनसेस एंड इंसेंटिव दे चुकी है। बिलीव मी, इस फिगर को आप अगर रुपीस में कन्वर्ट करके देखेंगे तो ये मुकेश अंबानी की वेल्थ के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 32nd रैंक के 1200 से ज्यादा पेटेंट्स हैं। पेटेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जब ये पेटेंट उन प्रोडक्ट्स के अंदर हो जिनके अंदर एक आम आदमी एक्सपेक्ट भी नहीं करता। मैं कहूं कि यार कपड़े क्लीनिंग जो होते हैं उसके अंदर पेटेंट है, ऐसा सोच सकते हैं क्या? नहीं, जो भी मार्केट में जो मिलता है लेके धो लेते हैं, पता है कि इसका पानी जो खराब होता है जमीन के लिए नहीं डालेंगे, थोड़ी एहतियात बरत लेंगे, लेकिन बताया जाए कि नहीं ये पानी तो बहुत अच्छा है, बायोडिग्रेडेबल है, कहीं भी डाल सकते हो, बल्कि अच्छा रहेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स, और मजे की बात यह कि ऐसे प्रोडक्ट्स हम सबको पता है बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बावजूद उसके हमें 30 डेज मनी बैक गारंटी पे मिलते हैं। ये बिजनेस हमें स्टार्ट भी आसानी से हो गया और रिस्क फ्री मॉडल हमें बिजनेस को करने का मौका मिलता है। और ये बिजनेस जो है, अगर इसको थोड़ा सा कन्वेंशनल बिजनेस से कंपेयर करें, हालांकि कंपेयर करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि कोई भी कन्वेंशनल बिजनेस है उसके अंदर इतने सारे हैसल, इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, मनी बहुत ज्यादा होता है, जो कि एमवे बिजनेस में कुछ भी नहीं है। लो इन्वेस्टमेंट, इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, जो घर पे अभी भी तो नहा रहे थे, ये थोड़ी कि टूथपेस्ट अब करना शुरू करेंगे, या शैम्पू पहले नहीं लगाते थे अब करना शुरू करेंगे, हेल्थ ड्रिंक जो है वो पहले ले रहे थे अभी लेना शुरू करेंगे। अपने खुद के घर के खर्च से हम अपने लिए सोना क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे अपना नॉन प्रोडक्टिव आवर्स। मैंने ऑल्दो अभी जस्ट अपने बिजनेस जॉब से क्विट किया है, इट वाज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू क्विट दैट जॉब, अगर हम टाइम की अलग से बात करें, बट जहां पे हमें प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिलती है हम यूजुअली उस तरफ मूव हो जाते हैं। इंजीनियरिंग में भी यही हुआ कि इंजीनियरिंग मैकेनिकल से की, लेकिन सॉफ्टवेयर लाइन में मूव हो गए क्योंकि अपॉर्चुनिटी यहाँ दिख रही थी। जयपुर में थे, जयपुर से गुड़गांव चले गए क्योंकि वहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, इसी वजह से ये क्विट किया है। या फिर बॉस किसी को भी अच्छा नहीं लगता, और ये बिजनेस हमें मौका देता है कि बॉस को फायर कर सके। यूजुअली बॉस फायर करता है और फायर होके हम सोचते हैं चलो दूसरे बॉस को ढूंढ लेते हैं, बट यहाँ पे यू नीड नॉट टू डू दैट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जॉब छोड़ देनी है, जॉब इज गुड एज लॉन्ग एज इट इज सर्विंग आवर डे टू डे लाइवलीहुड। यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, नो लीगलिटीज, वी हैव ए सपोर्ट सिस्टम जिसकी थोड़ी सी बात करूंगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि आपको कोई है सक्सेसफुल पर्सन जो आपको बताने को तैयार है कि इस बिजनेस में सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है, राइट? नो रिस्क एट ऑल एंड फुल प्रूफ ऑफ टाइम। कोरोना टाइम के अंदर ये बिजनेस जो है वो और तेजी से बढ़ रहा है बजाय कि घट जाता। सबसे पहले बिजनेस की जब बात हो रही है तो जानना जरूरी है कि किन प्रोडक्ट्स के साथ में हम डील करेंगे। एफएमसीजी इज अ ब्रॉड टर्म जिसके बारे में बात की, बट बहुत प्राउड होता है बताते हुए कि हम लोग उन सेगमेंट्स में डील कर रहे हैं जो हमारे डे टू डे के अंदर नीड है, हेल्थ के अंदर, ब्यूटी के अंदर, पर्सनल केयर, होम केयर के अंदर। बहुत सारे 200 के अराउंड जो है हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और हम लोग ना केवल जो है वी आर प्राउड टू बी नंबर वन इन दी वर्ल्ड,
बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में तो हम नंबर वन है ही है, बट हमारे प्रोडक्ट्स हमको बहुत यूनिक बना देते हैं। न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के अंदर वी आर विद द नेम ऑफ न्यूट्रलाइट नंबर वन ब्रांड है पूरी दुनिया की। ब्यूटी के अंदर आर्टिस्ट्री एंड एटीट्यूड, आर्टिस्ट्री इज टॉप फाइव ब्रांड्स। किचन वेयर के अंदर हमारे पास में एम्बे क्वीन है, एयर प्योरीफाइड सिस्टम है। और अल्टीमेटली मैं आपको यही कहूंगी कि रुक करके एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, यदि आज आपको दुकान खोलनी हो तो आप अपनी दुकान के अंदर किन आइटम्स को रखना चाहेंगे। यहाँ पे हर एक वो आइटम है कि जिसकी डिमांड आपको रिक्रिएट नहीं करवानी। एक बार आपका ऐसे एड जिसका जिक्र कर रहे थे, आपने अपने कस्टमर के घर में पहुंचा दिया, तो हमारे प्रोडक्ट्स इतने वंडरफुल हैं कि वो डिमांड आपको नहीं करनी रिक्रिएट, आपका कस्टमर आपसे डिमांड करने वाला है कि मेरा वो प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, मुझे आप भिजवा दीजिए। तो जिस चीज की मैं अभी बात कर रहा था कि क्या चीज है जो डिसाइड करती है इस बिजनेस में सक्सेस और जो सक्सेस बड़ी सक्सेस नहीं हो पाती, आपको बहुत सारे लोग मिल सकते हैं जो कहेंगे कि हाँ एमवे बिजनेस, हाँ ये तो हमने भी किया था, मेरे पापा ने किया था या ब्रदर ने या किसी ने भी, तो उसके अंदर जो सक्सेसफुल बनाती है हमें वो चीज बनाती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, जो कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम सिर्फ ये है कि सक्सेसफुल लोगों से आपको मिलाना, जो कि हमें ये हेल्प करने वाले हैं कि कैसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ जाता है। कोचिंग एंड मेंटरशिप है, किताबी ज्ञान की मैं बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। एमबीए में हम पढ़े हैं लेकिन वो जो हमें सिखा रहे थे वो कोई भी बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप नहीं था, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो पर्सन जो कि इसी बिजनेस के अंदर सुपर सक्सेसफुल है, ही इज गोइंग टू टेल अस हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस। और हमें क्या चीज मिलती है, करना क्या है, यहाँ पे एमबे के साथ जुड़े हैं एज एन आईबीओ, एडीआर बोलते हैं बाद में एडीएस कन्वर्ट होते हैं, साथ में ब्रिट वर्ल्ड वाइड की एजुकेशन हमें मिलती है, और हमें जो चीज करने को मिलती है हम अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और सीख के लोगों को सिखा सकते हैं। अगर केवल ये जो स्लाइड में लिखा है वो काम हमने कर लिया तो इसमें बहुत बड़ी सक्सेस हमारा वेट कर रही है। मैं आपको अगले 5 से 7 मिनट में ये बताऊंगा ये बिजनेस मॉडल क्या है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट सेलिंग की बात की थी हमने, आज कोई भी सामान अभी भी खरीद के लाते हैं, पहले भी लाते थे, लेकिन जो 100 रुपए जेब से खर्च करते थे उसका 60% डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता था, कोई यूज एज सच हमारे नहीं आता था, लेकिन वहां पे काफी सारे लोग अमीर बन रहे हैं। मैन्युफैक्चरर ने विद प्रॉफिट 40 रुपीज का बनाया होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस बीच के पार्ट को अगर हम हटा दें और हम जुड़ जाए इस पार्ट के अंदर जो कि नीचे 60% डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, तो इससे ह्यूज मनी अभी पता लगेगा आपको कितना बड़ा पैसा है इसके अंदर, और उसका कमाने की अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है वो एमवे हमें दे रहा है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें दे रहा है विदाउट इन्वेस्टिंग ह्यूज मनी। तो क्या डिफरेंस है, जो जैसे ही हम फर्स्ट थिंग जो मैंने उसमें लिखी थी दैट इज यूजिंग द प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स एज ए स्टार्ट करते हैं हम एज ए स्मार्ट कस्टमर, तो हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं वो सबसे पहले देखें, उसके बाद हम बिजनेस ओन की बात करेंगे। जल्दी से देखिए क्विकली क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स हैं, हम लोगों को अभी भी हम सामान खरीद रहे हैं बट हमें क्वालिटी वाइज डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, और जब आप यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा, इतना अमेजिंग लगेगा, ये पूरा बिजनेस ही एक्चुअल में आश्चर्य हर मौके पे आपको आश्चर्य देगा। बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट आपको कम रेट के अंदर कॉस्ट इफेक्टिव मिलेंगे, और उसके बावजूद जो है आपको मनी बैक गारंटी जिसकी बात की थी, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा अभी हम लोग बाजार से सामान ले आते हैं लेकिन हमें कोई पर्सनलाइज सर्विसेज नहीं मिलती। यहाँ पे जो लोग आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे वो प्रोडक्ट का यूज बताएंगे, सब कुछ आपको पर्सनलाइज सर्विस मिलेगी, और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों को सबसे एक्साइटिंग लगती है, प्रोडक्ट्स इतने पेटेंटेड हैं, सब कुछ है, बट पैसा खर्च करने से हमें पैसा कमाने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, दैट टू एन एसेट बेस्ड इनकम। तो बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो इन प्रोडक्ट्स में छुपी हुई है वो इन प्रोडक्ट्स को बहुत 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 खास बना देती है, और बहुत ही इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट जिसमें आपका खर्चा ही आपका इन्वेस्टमेंट बनने वाला है। अदरवाइज आप कितना भी सेल्स के अंदर सामान खरीद लीजिए, कितना भी पैसा बचा लीजिए, लेकिन पैसा खर्च करने से कभी हम पैसा कमा नहीं सकते, विच अपॉर्चुनिटी इज वेरी मच हियर। राइट, सो अब कितना पैसा आता है, कैसे आता है उसको समझें। तो जैसे हम एज ए कस्टमर कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें कुछ फायदे मिलते हैं, यहाँ पे हम बहुत ब्रीफ में बताएंगे, जिसने आपको यहाँ पे आज इनवाइट किया है ही कैन गाइड यू, ही और शी कैन गाइड यू बेटर कि कैसे बारीकी से हम समझ सकते हैं कि कैसे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इस बिजनेस के अंदर, एज ए कस्टमर क्या कर सकते हैं और एज ए बिजनेस ओनर हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं इसके अंदर। लगभग 15 से 25% के बीच के कुछ फायदे हमें मिलते हैं एज ए कस्टमर, हम कोई बिजनेस स्टार्ट करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, और बाद में बहुत सारे परफॉर्मेंस के ऊपर इंसेंटिव जुड़े होते हैं। जो परफॉर्मेंस इंसेंटिव है वो उनका लेवल 3% to 21% आता है, और उसके बाद लीडरशिप और डेप्थ बोनस बहुत सारी चीजें आती हैं। डोंट गेट कंफ्यूज, जस्ट इस कॉन्सेप्ट को आपने अगर समझ लिया
तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पे नहीं जाना, क्योंकि एमवे ने सारे जो सॉफ्टवेयर है, जो वेबसाइट है, उसके ऊपर सारे कैलकुलेटर डाल रखे हैं। यू कैन प्रिडिक्ट योर बिजनेस एंड सेल्स एंड द इनकम, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये केवल मॉडल समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल क्या कहता है कि अगर आपने केवल 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीख लिया, ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, बट आपने 100 पॉइंट का बिजनेस करना सीख लिया तो डिस्काउंट्स को हटा दें तो उसके अलावा करीब 1400 रुपीज का आपके पास अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। मैं यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं बता रहा कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, CSI क्या होता है, बट आप जिन्होंने बुलाया उनसे समझ लें, लेकिन आप अभी केवल पैसा समझ लें कि कितना आता है, क्योंकि अल्टीमेटली मोटिवेट वही हमें करने वाला है, तो आपको वो बहुत अच्छे से और बता देंगे जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन आपने एक अपनी शॉप चेंज की और वहां से आपको एक एडिशनल बेनिफिट शुरू हो गया। प्रोडक्ट या तो अच्छा लग सकता है या खराब, इससे ज्यादा और क्या लगेगा। खराब हुआ तो क्या है, खुला प्रोडक्ट वापस दे सकते हैं, कोई नहीं है अपॉर्चुनिटी देता। लेकिन अच्छा लगा तो आज भी हम जो काम कर रहे हैं वही काम हमें करना है, कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस करना है एज ए कस्टमर और एज ए बिजनेस ओनर। कुछ लोग उसमें से प्रोडक्ट खरीद के खुश होंगे और कुछ लोग उसके अंदर बिजनेस करने में आपके साथ इंटरेस्टेड हो सकते हैं। उनको जैसे आपने मेथड बताया कि कैसे इसके अंदर आप कस्टमर क्रिएट करते हैं, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी आती है, 6-8 लोगों की टीम बन जाती है, BWW साथ में चलेगा, एमवे और BWW की पावर है और अपलाइन की पावर है जो आपको आगे लेकर जाएगी। 6-8 लोगों का टीम बनती है, इनकम लगभग 3-4 हजार की पहुंच जाती है। इज दिस ए ग्रेट इनकम? अगर ऐसी इनकम होती तो शायद हम लोग इस बिजनेस में नहीं आते, लेकिन बहुत सारे लोगों, लेकिन ये देखें कि कोई एक्स्ट्रा इनकम का कुछ पार्ट शुरू हुआ है, और दिस इज नॉट ए लीनियर इनकम, बिलीव मी। जॉब के अंदर आती है लीनियर इनकम, जिसके अंदर आपका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, कभी फ्लैट भी हो जाता है, लेकिन बिजनेस के अंदर ये जो है वो बहुत एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ता है, इफ यू वर्क एज पर गाइडेड यू। जैसा बताया जाए वैसा करते हैं, तो आप देखिए जब आप लोगों की मदद करते हैं, ब्यूटीफुल बिजनेस है, आप लोगों की मदद कीजिए पैसा कमाने में, और साथ में आप पैसा कमा सकते हैं खुद भी। तो 6-6 लोगों की टीम ने अगर और 6 लोगों को इंट्रोड्यूस करा, इट टेक्स टाइम, हो सकता है 6 महीने से 1 साल लग जाए या ज्यादा कम लग जाए, डिपेंडिंग ऑन योर वाय कि कितना आप जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन करीब 30,000 से 40,000 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिटेबल हो गया है बहुत जबरदस्त। एमवे का 2 से 3 वर्जन पे हम जा रहे हैं, अगर पुरानी नॉलेज के हिसाब से हम एमवे की प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं तो बिलीव मी गेट योर प्लान अगेन, सी द प्लान अगेन, आपको समझ में आएगा कि कैसे इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। 21% का लेवल जहां पे हम इसको नाम देते हैं सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, तो उसके अंदर आपको मौका मिलता है एक इनकम का कमाने का जो कि 1 लाख से ऊपर चली जाती है। अभी मैं बार बार कोर प्लस वर्ड ले रहा हूँ नाम, ये प्रॉफिटेबिलिटी बनाता है, जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है प्रॉफिटेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ती है, कहीं कहीं 80,000 रुपए से लेके 1.5 लाख या उससे ज्यादा की इनकम आती है। ये एक केवल स्ट्रक्चर है, हो सकता है कि स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो तो इससे कम या ज्यादा इनकम पॉसिबल है, लेकिन इस बिजनेस की जो ब्यूटी है वो नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं बताऊंगा उससे शुरू होती है, जब आप अपने नीचे कुछ लोगों को मदद करते हैं प्लेटिनम जाने में, और वहां पे अगर आपके 3 ग्रुप भी इस लेवल पे चले जाते हैं तो ये इनकम पहुंच जाती है करीब 35 से 40 लाख रुपए की। फाउंडर्स एमरल्ड लेवल आता है इसके ऊपर, अमेजिंग लाइफ है, फॉरेन ट्रिप्स मिल रहे हैं, आप लोगों को गाइड कर पा रहे हैं, जो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस की बात थी वो कर पा रहे हैं कि आपके होने ना होने से किसी को फर्क पड़ता है, राइट। और इसके बाद एक लेवल जो कि कोई लास्ट लेवल नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जैसे ही आप इस लेवल पे जाते हैं तो ये एक ब्यूटीफुल लेवल है जिसको बोलते हैं डायमंड लेवल। ये एंड नहीं है, 60 लाख से 1 करोड़ रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, और इसके बियॉन्ड भी बहुत सारा आपके लेवल्स हैं, एंड स्काई इज द लिमिट। सो हम लोग होप करेंगे कि आप जल्दी ही इस बिजनेस को समझें, इवेल्युएट कर पाएं और अपने लिए रजिस्टर कर पाएं। आपको केवल और केवल ये देखना है कि जो ड्रीम्स हमने देखे थे वो हम कर तो पा रहे हैं पूरे, लेकिन विदाउट सैक्रिफाइस एनीथिंग, राइट। सो दिस इज माय लास्ट स्लाइड, एंड इट्स वेरी इजी प्रोसेस टू रजिस्टर, नो नीड टू मेंशन, इट्स वेरी इजी, जस्ट गेट इन टच विद द पर्सन हु हैज इनवाइटेड यू, गेट योर KYC डन एंड स्टार्ट योर बिजनेस। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप कि मैं कुछ आपको इसके बारे में बताने में सफल हुआ हूंगा, और मुझे जब बताया गया था तो कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी, समझ में कुछ खास नहीं आया था, लेकिन आज कितना भी आपको फर्स्ट टाइम सुन रहे थे समझ आया या नहीं आया,
लेकिन आप अगर टच में रहेंगे जिन्होंने बुलाया तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। थैंक यू। जयपुर एनीवेज इज द सिटी ऑफ स्टोन्स। अभी आपको बहुत सारे प्लैटिनम, सफायर, एमरल्ड्स, फाउंडर एमरल्ड्स, डायमंड्स, फाउंडर डायमंड्स सबसे सुनने का और सबसे सीखने का मौका मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। वाओ।